कोतवाल थाने की पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को संविदा कर्मियों द्वारा बहला फुसलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराकर धन उगाही करने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस ऑफिस के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान उमेश कुमार पुत्र राम केवल निवासी ग्राम परसवां पोस्ट मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद चंद कबीर नगर। दूसरा बिट्टू यादव पुत्र अनिरुद्ध यादव निवासी कुरमौला उर्फ सोनपुर थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर। तीसरा मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी फतेहपुर थाना चिलुआ ताल थाना जनपद गोरखपुर। चौथा महेंद्र पुत्र विजयनाथ निवासी मोगलाहा थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर। पांचवा सहनवाज पुत्र मोहम्मद कासिम निवासी महरौली थाना बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार हाल पता डिहवा फतेहपुर थाना चिलुआ ताल गोरखपुर। छठवां उमेश भारती पुत्र स्वर्गीय नंदलाल प्रसाद निवासी मोगलाहा हरजन बस्ती थाना गुलरिया गोरखपुर। सातवां दीनदयाल पुत्र स्वर्गीय फागुन निवासी भटकोलिया थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि 18 फरवरी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर में टीम द्वारा यूनिवर्सल हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज रोड झुंगिया के पंजीकरण एवं मानकों की जांच की गई। जांच के दौरान हॉस्पिटल में 3 मरीज भर्ती पाए गए, परंतु मौके पर कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं मिले। हॉस्पिटल में उमेश पुत्र राम केवल निवासी परसवां पोस्ट मीरगंज जनपद संत कबीर नगर मिला, जिसकी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई भी डिग्री नहीं थी। उमेश ने बताया कि हॉस्पिटल को उनके बड़े भाई महेश कुमार द्वारा संचालित किया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि तीनों मरीज पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने गए थे। वहां पर अभियुक्त गणों द्वारा मिलकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की न होने की बात कहकर झांसे में लेकर निजी अस्पताल में भर्ती होने हेतु प्रेरित किया गया। तीमारदारों को बरगलाकर मरीजों को यूनिवर्सल हॉस्पिटल तथा अन्य प्राइवेट अस्पतालों में अच्छी स्वास्थ्य की झांसा देकर निजी एम्बुलेंस से भर्ती कराया गया। यूनिवर्सल हॉस्पिटल में भर्ती कराने के उपरांत हॉस्पिटल संचालक के साथ अभियुक्तों द्वारा मिलकर तीमारदारों से लाखों रुपए जमा करा लिया गया। मरीजों को वहां पर कोई भी डॉक्टर अटेंड नहीं करने गया। मरीजों की हालत बिगड़ती जा रही थी। गोपनीय जांच पूछताछ व अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात हुआ है कि अभियुक्तगण प्राइवेट अस्पतालों की दलाली करते हैं। अस्पताल संचालक महेश कुमार व उसके भाई उमेश व एम्बुलेंस चालक बीआरडी मेडिकल कॉलेज के संविदा ट्राली मैन व संविदा वार्ड बॉय व अन्य भी शामिल है। यह सभी आपसी दुष्प्रेरण करते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से मरीज को गेट पर ही ट्रॉली मैन व एम्बुलेंस चालकों की सहायता से अन्य किसी हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कराते हैं और उसके बाद अस्पताल संचालक इन्हें आर्थिक लाभ देते हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चिलुआ ताल थाना प्रभारी संजय मिश्रा, उप निरीक्षक आशीष कुमार, कांस्टेबल बलवंत सिंह, संजय मौर्य, राहुल यादव, यादवेंद्र यादव, राघवेंद्र कन्नौजिया, धीरेन्द्र यादव, मनोज यादव द्वितीय, विजय गौड़ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर में प्रशासन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से जो पेशेंट्स यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आते हैं, उसको वहाँ पर इलाज की सुविधा मिलने से पहले ही बरगला करके अपने झांसे में लेकर के प्राइवेट एम्बुलेंसेस के माध्यम से ऐसे हॉस्पिटल्स में कुछ दलालों द्वारा शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर ना तो उनको प्रॉपर चिकित्सीय इलाज मिलता है और इसके साथ साथ उनसे भारी रकम भी वसूल ली जाती है। ऐसे भी हॉस्पिटल्स इस तरह के संचालित हो रहे हैं जिसमें या तो जिस डॉक्टर के नाम से वो रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर वहाँ पर खुद ना रह करके वहाँ पर जो इलाज किया जाता है वो अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है, या फिर जिस डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड था वो पहले ही हॉस्पिटल को छोड़ के चले गए हैं। ऐसे अभियान में पूर्व में भी एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल में लिखा गया था, जिसमें कई लोग जेल गए थे। इसी क्रम में 18 तारीख को सूचना के आधार पर जो CMO है और उनकी टीम द्वारा थाना चिलुआ ताल क्षेत्र में यूनिवर्सल हॉस्पिटल के नाम से एक रेड किया गया। वहां पर भी इसी तरह की स्थिति पाई गई कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से आए हुए मरीज वहां भर्ती थे। इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्टर के नाम पर था वो 4 महीने पहले ही लिखित रूप से इस हॉस्पिटल को छोड़ के जा चुके हैं। पुनः उसका रजिस्ट्रेशन ना तो रिन्यू हुआ है, ना ही वहाँ पर किसी डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, जिससे ये क्लियर है कि वहाँ पर चिकित्सा सुविधा देने के लिए कोई भी डॉक्टर अधिकृत नहीं था और वहाँ पर किसी भी गुणवत्तापूर्वक इलाज नहीं हो रहा था, जिससे कि पेशेंट्स की जो स्वास्थ्य है और उनकी जान है उनको बड़ा खतरा हो रहा था। इस हॉस्पिटल को CMO साहब द्वारा सील किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा थाना चिलुआ ताल पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें हॉस्पिटल संचालक के साथ साथ
जिन दलालों द्वारा पेशेंट्स यहाँ पर शिफ्ट किए जाते हैं उनको भी नामजद किया गया, और साथ ही साथ कुछ ऐसे वहाँ पर बीआरडी में कर्मचारी हैं जैसे वार्ड बॉयज हैं उनको भी नामित किया गया है। इस संबंध में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टोटल 7 लोग अरेस्ट हुए हैं जो इस पूरे गैंग के मेंबर हैं। कुछ लोग इसमें अभी भी वांछित हैं जिनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जो अरेस्ट हुए हैं उसमें हॉस्पिटल के संचालक, इसके अतिरिक्त जिन दलालों द्वारा ये मरीजों को शिफ्ट किया गया, और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो वार्ड बॉय हैं जो कि दलालों के सहयोग में पेशेंट को वहाँ से बरगलाने और कहीं और भेजने के लिए अपना सहयोग देते हैं, उनकी भूमिका भी इसमें पाई गई थी। ये सभी लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफ़ी गहन पूछताछ हमारे अधिकारियों द्वारा की गई है। और भी लोग जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। साथ ही साथ और जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो वहाँ पर संविदा या अन्य चीज़ों में लोग नियुक्त हैं जो कि या तो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं या फिर ऐसे दलालों का साथ दे रहे हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं। और इस तरह के कितने गैंग्स चल रहे हैं और जनपद में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जो इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जिनके पास ना तो प्रशिक्षित स्टाफ है ना डॉक्टर्स हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं है, ये सारी जानकारियाँ आई हैं। आगे चल के ये अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। इनके ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर पूर्व से काम कर रहे थे, पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई थी। अब जब सूचना हमारे पास प्राप्त हो रही है तो ऐसे कई लोगों के नाम सामने आए हैं। दर्जन भर हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पूर्व में किसी और नाम से संचालित हो रहे थे, रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से बंद हुए, फिर नाम चेंज करके संचालित होने लगे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से और बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया जा रहा है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। और जो भी पेशेंट अपना इलाज इस उम्मीद के साथ आता है कि उसका अच्छा इलाज बीआरडी में हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, किसी की जान माल का नुकसान इसमें ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। वहाँ पर अलग अलग लोग गैंग के रूप में काम कर रहे थे, जैसे पिछले वाला जो घटनाक्रम रामगढ़ ताल में था उसमें एक अलग गैंग काम कर रहा था, इस वाले में दूसरा कर रहा था। और भी अगर हमारे सामने बात आएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद में रात में हुई बारिश पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि रात में बारिश हुई है लेकिन मौसम को लेकर कोई अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है। अभी गोरखपुर को येलो जोन में रखा गया है, इसलिए यह संभावना व्यक्त की गई है कि फिर से इसी तरह से झोंकेदार हवा चलेगी और छिटपुट वर्षा होगी। उन्होंने बताया कि ज्यादा बारिश की चेतावनी अभी मौसम विभाग के अनुसार अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सभी तहसीलों को अलर्ट कर दिया गया है। यदि कहीं पर किसी तरह की जनहानि होती है तो राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ये एक प्रेशर था जिसके तहत ये रात में जो बारिश हुई है, लेकिन अभी मौसम को लेकर के कोई ऐसा अलार्मिंग अलर्ट नहीं प्राप्त है, लेकिन इस तरीके की संभावना येलो जोन में इस क्षेत्र को रखा गया है, तो ये संभावित है कि आने वाले एक आध दिनों में फिर से इसी तरीके से झोंकेदार हवा चले और छुटपुट वर्षा हो। लेकिन ओलावृष्टि को लेकर के या किसी प्रकार की ज़्यादा बारिश की चेतावनी अभी आईएमडी द्वारा प्राप्त नहीं है, लेकिन सभी तहसीलों को अलर्ट कर दिया गया है। यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, जनहानि होती है या किसी प्रकार की पशुहानि या फसल क्षति होती है राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार, तो उसके लिए समुचित कार्रवाई आपदा विभाग द्वारा किया जाएगा और वो सूचनाएँ तत्काल रूप से तहसीलें प्रदान कर रही हैं। लेकिन जो अभी रात में जो बारिश हुई है उसके क्रम में अभी जो तहसीलों से जो एक दो तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें क्षति की सूचना शून्य है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोकरवाल ने वार्ड नंबर 22 जंगल तुलसीराम पश्चिम के पार्षद राजेश कुमार के साथ पूरे वार्ड का पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नगर आयुक्त गौरव सिंह सोकरवाल ने वार्ड में साफ सफाई, नालों की सफाई, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, वार्ड में निर्माणाधीन सड़क नाली आदि का निरीक्षण किया। वार्ड में निरीक्षण के दौरान अकुलवा पुलिया का नाला एवं काशीपुरम अकुलवा नाला के बारे में पार्षद द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों नालों पर कई जगह पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके निर्माण कर लिया गया है। नगर आयुक्त द्वारा अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह को निर्देशित किया गया उक्त दोनों नालों का निरीक्षण कर नाले पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटवाना सुनिश्चित कराएं एवं उक्त दोनों नालों की सफाई हेतु जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही वार्ड में ताड़ीखाना चौराहा से काशीपुरम पुलिया तक 1,66,00,000 जीएसटी सहित की लागत से 880 मीटर की लंबाई का सड़क एवं एंड टू एंड पेविंग तथा नाले का निर्माण कराया जा रहा है।
उक्त सड़क पर जगह जगह लोगों द्वारा अतिक्रमण भी किया जा रहा है। नगर आयुक्त द्वारा सहायक अभियंता नवीन श्रीवास्तव को निर्देशित किया गया है कि उक्त रोड पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटवाकर एंड टू एंड नाले का निर्माण सुनिश्चित कराएं। निरीक्षण के दौरान वार्ड के स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलते हुए पाए गए, जिसे ठीक कराने हेतु अधिशासी अभियंता श्री अशोक सिंह को निर्देशित किया गया। पार्षद राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि ताड़ीखाना चौराहे से काशीपुरम की तरफ अंदर जाने पर कुछ लोगों द्वारा सड़क पर अवैध कब्जा करके निर्माण कर लिया गया है, जिससे सड़क काफी संकरी हो गई है, जिससे वहां पर प्रतिदिन जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नगर आयुक्त द्वारा अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह को उक्त अवैध कब्जे अतिक्रमण की जांच कर हटवाने हेतु निर्देशित किया गया। वार्ड में रामलीला मैदान के पास सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जो काफी जर्जर स्थिति में है। नगर आयुक्त द्वारा प्रभारी स्वच्छ भारत मिशन डॉक्टर मणिभूषण तिवारी को निर्देशित किया गया, उक्त स्थल का निरीक्षण कर लें एवं जर्जर शौचालय को ध्वस्त कराकर शौचालय का निर्माण कराएं। वार्ड नंबर 22 जंगल तुलसीराम पश्चिम के पार्षद राजेश कुमार एवं वार्ड नंबर 23 शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर के पार्षद चंद्रभान प्रजापति द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों वार्डों में 2016 में जल निगम द्वारा पाइपलाइन डाला गया था, जिसे अभी तक पानी नहीं आया है। नगर आयुक्त द्वारा महाप्रबंधक जलकल को इसे ठीक कराने हेतु निर्देशित किया गया। नगर आयुक्त द्वारा रामलीला मैदान की जमीन को कल्याण मंडपम के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया एवं अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह को उक्त जमीन की पैमाइश कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त जमीन घनी आबादी के बीच भी है, यहाँ पर कल्याण मंडपम बन जाने से जरूरतमंद लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। यहाँ शादी विवाह व अन्य मांगलिक कार्यक्रम व आयोजन आसानी से हो पाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, नगर निगम के सभी अधिकारियों के द्वारा और हमारे द्वारा भी सुबह प्रातःकालीन सफाई व्यवस्था का निरीक्षण तथा साथ ही साथ अन्य जो कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण स्थल निरीक्षण किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज हम वार्ड नंबर 22 में निरीक्षण किया माननीय पार्षद जी के साथ और संबंधित जितने भी वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ वहाँ जो हमारा ताड़ीखाना पे एक रोड बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया गया। कुछ अतिक्रमण थे, कुछ जल भराव की शिकायत थी, कुछ पथ प्रकाश की शिकायत थी, उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ वहाँ पर कल्याण मंडपम के लिए एक ज़मीन का भी चिन्हांकन किया गया है और अन्य जो वार्ड की संबंधित समस्याएँ हैं उनका भी निरीक्षण किया गया। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराएं और अधिक्रमण की जो समस्या है उसका भी निस्तारण। गोरखपुर के नवागत एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कार्यभार ग्रहण किया, जिसके संबंध में नवागत एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि मैंने एसपी ट्रैफिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसके पहले मैं आजमगढ़ व शाहजहांपुर सहित अन्य शहरों में अपनी सेवा दे चुका हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और शहरों में चल रहे अवैध वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में जो पार्किंग है वहां पर वाहन खड़े हों यह सुनिश्चित किया जाएगा। जनता को आने जाने में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े इसका भी पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोपहर में छूटने वाले स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, यहाँ मैंने एसपी ट्रैफिक के तौर पे कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले मैं आजमगढ़ था, उससे पहले शाहजहांपुर था, इससे पहले कई और जगहों पर रहा था। इस जनपद में आगमन करने मैंने अपनी प्रायोरिटी तय की है। यहाँ पे यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी तरह से लग के काम किया जाएगा। अवैध वाहनों पर नियंत्रण किया जाएगा। जो चिन्हित पार्किंग है वहीं पर वाहन खड़े हों ये सुनिश्चित किया जाएगा। अवैध वाहनों के संचालन पर रोक लगाया जाएगा और जनता को किसी आने जाने में किसी प्रकार कठिनाई का सामना ना हो, उनके समय की बचत हो सके और पुलिस में यातायात पुलिस में शुचिता बन रही है, इस पर कार्य किया जाएगा और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सर देखा जाता है अक्सर दोपहर में स्कूली बच्चों की छुट्टी होती है, उसके लिए सर किस तरह की पहल की जाएगी? इस पर देखा जाएगा कि स्कूलों में जो टाइमिंग का कुछ डिफरेंस लाया जा सके वो किया जाएगा और जिन वजहों पे वजह से जाम लगता है, अतिक्रमण है या वाहनों के बाहर खड़े होने के जाम लगता है या फिर डाइवर्जन कर सकता है, किस प्रकार की जरूरत है वहाँ इसको देख के काम। गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद का अम्बेडकर नगर स्थानांतरण हुआ, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने बताया कि मैं गोरखपुर में 18 सितंबर 2019 को सीईओ के रूप में आया था। मुझे यहाँ पर 4.5 साल बीत चुके हैं। जब सुल्तानपुर से आया था तब मेरी सीईओ गोला के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, वहां पर मैं 1.5 साल रहा। उसके बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग सीईओ बांसगांव के रूप में हुई थी, जहां पर मैं 6 महीने सेवा दिया और तीसरी पोस्टिंग सीईओ कैंट के रूप में हुई थी, जहां पर मैंने 15 महीने सेवा दी। जिसके बाद मेरी पोस्टिंग सीईओ कैंपियरगंज के रूप में हुआ था, जहां पर मैंने 4 महीने अपनी सेवा दी थी। उसके बाद मेरा गोरखपुर में ही प्रमोशन हुआ और मेरा एसपी के पद पर पोस्टिंग हुई। उसके बाद फिर एसपी ट्रैफिक के पद पर पोस्टिंग हो गई। मैंने शहर को जाम मुक्त बनाने में कार्य किया। गोरखपुर में मुझे कार्य करके बहुत अच्छा लगा, यहाँ मुझे नया अनुभव हुआ है। मैंने सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में कार्य किया, मेरा अच्छा अनुभव रहा और अधिकारियों का अच्छा सहयोग रहा, मुझे नागरिकों का पूरा सहयोग मिला।
मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करवाया, जिसके लिए मीडिया बंधु और नागरिकों को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, देखिए मैं गोरखपुर में आया था 18 सितंबर 2019 को आया था, ये मुझे लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं। मैं सुल्तानपुर से यहाँ आया था, सीओ गोला के पद पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, वहाँ मैं 1.5 साल रहा। उसके बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग सीओ बांसगांव के रूप में हुई थी, जहाँ मैं लगभग 6 महीने था। उसके बाद मेरी तीसरी पोस्टिंग सीओ कैंट के रूप में हुई थी, जहाँ मैं लगभग 15 महीने सीओ कैंट के पद पर रहा। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र जो है कि सीओ कैंपियरगंज के पद पर हुआ था, जहाँ लगभग मैं 3 महीने 4 महीने के आसपास था। और उसके बाद मेरा इस गोरखपुर में ही प्रमोशन हुआ एडिशनल एसपी के पद पर, फिर एसपी ट्रैफिक के पद पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। और गोरखपुर में काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत नया अनुभव हुआ। यहाँ पर जो है कि एसपी ट्रैफिक के रूप में जो है कि सड़कों पे उतर के यातायात व्यवस्था को सुधार करने में काफ़ी जो है कि अच्छा अनुभव रहा। मुझे अपने अधिकारियों का सहयोग मिला, यहाँ की आम जनता का, व्यापारी भाइयों का और मीडिया बंधुओं का मुझे काफ़ी सहयोग मिला, और जिसके कारण मैं जो है कि मेरा एक लंबा कार्यकाल यहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यहाँ पर VIP कार्यक्रमों के साथ साथ यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो है कि होते रहते हैं, यहाँ आते रहते हैं, उनका कार्यक्रम सफलतापूर्वक कराया गया। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी यहाँ पर कई बार मेरे कार्यकाल के दौरान हुआ था, वो भी सफलतापूर्वक कराया गया, कहीं कोई समस्या नहीं आई। इसी तरह से माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी कार्यक्रम यहाँ पर जब मैं सीओ कैंट था उस दौरान भी हुआ था, तो वो भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुए, यहाँ जो है आम जनता के सहयोग से, मीडिया बंधुओं के सहयोग से और सभी का एक संयुक्त प्रयास से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो ये मेरी यहाँ की एक लंबी जर्नी रही लगभग 4.5 वर्षों की, और मुझे गोरखपुर में काफ़ी जो है कि अच्छा लगा, यहाँ के लोगों का मुझे प्यार मिला। इसके लिए मैं सभी लोगों का, अपने मीडिया भाइयों का, आम जनता का और व्यापारी भाइयों का और अपने अधीनस्थों का, अपने अधिकारियों का, सभी का धन्यवाद देता हूँ।